चलिए क्वेश्चन नंबर 9. द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 5:3 और रेशियो ऑफ स्पीड. तो क्या प्रॉब्लम है? लेंथ मालूम है, स्पीड भी मालूम है. तब जब लेंथ और स्पीड दोनों मालूम है तो टाइम नहीं निकलेगा. टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. होगा या नहीं? और यस सर, लंबाई यानी डिस्टेंस 5 और 3 है तो स्पीड जो है वो 6 और 5 है. एलसीएम ले लो 6 5 का 30, 6 से 5 25:18. हो गया टाइम का रेशियो. 25 बोलिए टाइम का रेशियो क्लियर है? केवल डिस्टेंस बाय स्पीड कर देना. आप यही कॉन्सेप्ट को याद रखना. कभी कहेगा डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा तो स्पीड इनटू टाइम. कभी पूछेगा स्पीड का रेशियो क्या होगा तो डिस्टेंस बाय टाइम. क्लियर है सर? यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते थे कि स्पीड का रेशियो दिया है 6:5 तो इनवर्सल होता है तो 5:6 टाइम जी सर, जैसे स्पीड का रेशियो दिया है 6:5 तो टाइम का रेशियो 5:6 होगा, ये नहीं कर सकते सर? हाँ क्यों नहीं कर सकते? अच्छा ये नहीं, लेकिन किस डिस्टेंस के लिए? डिस्टेंस भी तो देखना, कोई ज्यादा चल रहा है कोई कम चल रहा है. डिस्टेंस सेम डिस्टेंस के लिए होता है ना, तब डिस्टेंस रहता तो आप कर सकते थे. लेकिन यहाँ डिस्टेंस सेम नहीं ना है, उसका लेंथ देख रहे हो 5 और 3 है तो 5 और 3 यानी डिस्टेंस तो दोनों का अलग अलग है. तो जब डिस्टेंस अलग अलग है तो वो तो अलग अलग होगा ही. समझ में आया? जी सर हाँ सर. तो अगला क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए. अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, इट विल क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर इन. टाइम पूछ रहा है तो L1 प्लस L2 तो होगा ही. तो 300 प्लस 200 डिस्टेंस तो ये हो गया 500 मीटर और ये मीटर में है ही. और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में है तो यानी 25 मीटर पर सेकेंड. तो 500 मीटर 25 20 सेकेंड. ये तो सबों का बन गया होगा. यस सर. क्वेश्चन नंबर 11. अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर. इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट. द लेंथ ऑफ टनल. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. ये होता है. और डिस्टेंस के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? L1 प्लस L2. और L1 प्लस L2 यहां रिलेटिव स्पीड तो होगा नहीं क्योंकि सुरंग का कोई स्पीड नहीं होता, केवल ट्रेन का स्पीड होगा. इसलिए x और y नहीं आएगा, केवल x होगा. तो ये x इनटू टाइम गिवन है. अब हम लोग को ये देखना है कि ये किलोमीटर पर आवर में है. देखो 78 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर में और ये मिनट में है और ये मीटर में है. और आंसर भी मीटर में चाहिए, मीटर में ही है. तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे? ट्रेन है कितना? 800. और सुरंग को क्या मान ले? L2. और x क्या होगा? तो 78 है, किलोमीटर पर आवर है, km पर आवर. आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5/18 मीटर पर सेकंड से. और टाइम 1 मिनट है, 60 सेकंड. उसको भी सेकंड में बदल लो क्योंकि जब ये सेकंड है तो सेकंड में होगा, तब ना सेकंड सेकंड कैंसिल होगा. बस हो गया. कितना है L2 का वैल्यू?
सर सा नहीं मेरा 700 आ रहा है सर। नहीं सर 500 आ रहा है। अच्छा लगता है कैलकुलेशन पर, ठीक है देख लेता हूँ। मिस्टेक होगा, देख ले 6 3 6 से ये 10, 3 से ये कटेगा 26 और 5 6 5 10 13 1300 हो जा रहा है। तो L2 इक्वल टू 1300 माइनस 800 दैट इज 500। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ लोग को आज मालूम था कि संडे है तो इसलिए क्लास में नहीं आया गया। चलिए जो कल तो आप बोले ही थे सर क्लास होगा। हाँ तो मैंने तो बोल दिया था, लेकिन सोने के बाद नहीं ना हमारी याद रहता है, सोने के बाद लगता है कल संडे है। 11 के बाद 12। A train is moving at a speed of 132 km per hour. If the length of the train is 110 meter, so how long will it take to cross a railway platform 165 meter long? मतलब ज्यादा क्वेश्चन इसी के इर्द-गिर्द है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। L1 प्लस L2 देखना है, दो दो स्पीड है तो x प्लस y करो। जैसे ही दो स्पीड है तो या तो सेम डायरेक्शन होगा तो x माइनस y, या अपोजिट डायरेक्शन होगा तो x प्लस y इंटू t, और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन को समझना है। ट्रेन इज मूविंग एट, ट्रेन का यानी x मालूम है। जिन लोगों का बहुत वीक हो ना पहले ऐसे लिखो कि सर x गिवन है 132 किलोमीटर पर आ, जो इंफॉर्मेशन दिया हो पहले वो नोट कर लो। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, यानी L1 गिवन है, L1 है कितना 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, L2 भी गिवन है 165 मीटर, और तब पूछ रहा है टाइम क्या होगा। तो जिन लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है ना पहले ऐसे लिखो, बाद में तो डायरेक्ट लिख नहीं लगोगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मालूम है। तब आपका फोकस किया, अच्छा टाइम पूछ रहा है, L1 L2 गिवन है, स्पीड भी गिवन है, तुरंत देखेंगे यहाँ दो स्पीड तो नहीं है, तो यहाँ ट्रेन इज मूविंग और प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो प्लेटफॉर्म का तो स्पीड होता नहीं है, तो चलो वाई का चक्कर ही खत्म हो गया। तो जब वाई का चक्कर खत्म हो गया तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखते, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय स्पीड यानी x। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 110 प्लस 165 और ये डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, तो स्पीड है इसका 132 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 by 18 मीटर पर सेकंड से। करेंगे या नहीं सचिन? यस सर, 18 ऊपर चला जाएगा। करेंगे शशि? हां सर। 5 by शशि 5 by 18 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? हां सर। क्यों करेंगे सर? सेकंड में ये मीटर है। यस सर, लेंथ मीटर है और आंसर सेकंड में चाहिए। यस सर। और स्पीड जो वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इनटू 5 बाय 18 कर दिया। अब सिंपलीफाई तो आपको करने आता है, क्या करेंगे 100 200 275 इनटू चाहो तो 18 को ऊपर ले जाओ और डिवाइडेड बाय 132 इनटू 5, यही होगा। कितना आ रहा है जी? 7.5 सेकंड सर। 7.5 ओके, t इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे L1 है कि प्लेटफॉर्म को पार करा तो L2 भी है, प्लेटफॉर्म का स्पीड नहीं होता है, वाई नहीं होगा, टाइम पूछ रहा है, L1 में डिस्टेंस वाई स्पीड कर दो। नेहा कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके अगला क्वेश्चन 13। A man observed that a train 120 meter long crossed him in 9 seconds. So speed of the train was, Nikki batao. Sir, 48 kilometer per hour.
सीधा 120 बाई 9 कर दे क्या, यानी x पूछा यस सर, तो 120 into 18 by 5 9 कर दे, तो 120 तो मीटर में है। सब लोग ध्यान से देखो, जहां मैं बार बार बता रहा हूँ, जहां मिस्टेक हो सकता है, ये सेकंड में है और ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो इनटू 18 बाय 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया। आंसर क्या होगा सर? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। किसी को प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? विजिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं? क्वेश्चन सबों को दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर, दिख रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म क्या नोटिस कर रहा है? कि अ ट्रेन टुक 21 सेकेंड टू कंप्लीटली पास थ्रू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को पास करने में 21 सेकेंड। विच वॉज 84 मीटर लॉन्ग। प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम है एंड इट टुक 9 सेकेंड इन पासिंग हिम। हमेशा ये ध्यान देना कि एक ही रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टैंडिंग पोजीशन वाले को पार करे तो स्पीड विल बी सेम। पहले का स्पीड बराबर दूसरे का स्पीड। एक रेलगाड़ी दो अलग अलग, चाहे वो मैन हो या टनल हो, मैन है प्लेटफॉर्म है, पहला ब्रिज दूसरा ब्रिज, पहला टनल प्लेटफॉर्म को पार करे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा बहुत बार एग्जाम है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के, क्योंकि क्वेश्चन में अगर चार क्वेश्चन बनता है ना, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता ही है। और हम लोग एकदम देखने के साथ करेंगे कि स्पीड विल बी सेम। और जब स्पीड सेम होगा, स्पीड विल बी सेम। और स्पीड क्या होगा? तो पहले का L1 प्लस L2 बाय T1 इज इक्वल टू, अब L1 तो रहेगा ही, L3 डिवाइडेड बाय T2। अब ध्यान देना, वहां टाइम भी दो दिया रहेगा या इसमें से कोई एक दिया रहेगा बस। तो पहला L1 L2 पहला टाइम, L1 तो है ही क्योंकि वही रेलगाड़ी पहले किसी प्लेटफॉर्म को, बाद में किसी मैन को या टनल को, किसी को भी पार करना है। तो L1 तो मालूम है यहां, L1 कितना है 84 है, प्लस 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है ने अनुभव किया कि आती हुई रेल एक उससे तथा, तो ये L1 नहीं मालूम है, तो L1 नहीं गिवन है, तो हम लोग L1 क्या ले ले, L1 ही लगते। तो L ऐसे लिख दे, L1 प्लस 84। आंसर आ गया आंसर। L1 प्लस 84 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 21। यस सर। और इज इक्वल टू मैन है ना, 0 प्लस 9 बाय 9। L1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व किया तो L1 क्या आ गया, से ये चाहो तो यहाँ काट भी सकते थे, सिंप्लीफाई करने में अगर लगे डाटा बड़ा हो रहा है तो 3 3 7 जा, सात में से 3 छूट गया, 4 L1 21 दिया 63 कितना रहा है, L1 का वैल्यू निकालिए जल्दी कॉपी पे सर, 1134/5। ऐसा तो नहीं आ रहा है तो 63 मेरा आ रहा है L1 का, 63 मीटर आ रहा है, देख के लग रहा है ना, 7 L1 में से 3 L1 घट गया, 4 L1 बराबर 84 गुना 3
चार से 21 बार में कट गया, 21 दिया 63 मीटर, यहाँ तो बहुत मेहनत भी नहीं करना है। और स्पीड क्या होगा? Yes, sir, 63. तो स्पीड हो जाएगा 63/9, तो ठीक है। अगर ऑप्शन मीटर पर सेकंड में कहता तो इतना ही, नहीं तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर कर दो, 9 × 2 = 18, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 कितना रहा? 25.2 किलोमीटर पर आवर सही है? यस सर। Are you seeing? सर उसको वैसे भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, difference of time. प्लेटफॉर्म और मैन का दोनों को माइनस करके 84 में डिवाइड करके उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। मैन को साइड करके टाइम का डिफरेंस निकाल के कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड पास अ प्लेटफॉर्म। देखो शायद क्वेश्चन वैसा है, 122 मीटर लॉन्ग 17 सेकेंड और एक ब्रिज 210 मीटर। अब यहाँ दोनों का लेंथ मालूम है, जल्दी बताओ क्या लिखे। L1 प्लस 122 लिख ले क्या? Yes, sir. और डिवाइडेड बाय पहले का टाइम कितना है? 17 सेकेंड। और दूसरा क्या है? L1 प्लस 210 और डिवाइडेड बाय 25, यही हो गया स्पीड। स्पीड पूछे तो स्पीड, लेंथ पूछे तो लेंथ, दोनों में कुछ ही पूछेगा निकल सकता है। क्लियर? समान गति से चलते एक रेलगाड़ी एक 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड और एक 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकेंड का समय ले, तो रेलगाड़ी की गति मैंने बताया। देखो L1 नजर आ रहा है, अगर लेंथ पूछे दो ही चीज तो पूछ ही सकता है, लेंथ पूछा तो L1 निकाल दो और स्पीड पूछ रहा है तो केवल ध्यान क्या देना है, ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो या दो स्टेप में भी कर सकते हो। 16, सेम क्वेश्चन, जल्दी बताओ। थोड़ा सा टेल लगा दिया गया है, अश्विनी कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। अच्छा बताइए पहले सेंटेंस से, वैभव बताइए कि पहले सेंटेंस से आप क्या फाइंड कर सकते हो? वैभव बताइए पहला सेंटेंस जो है। अब हाँ एक मिनट पढ़ रहा हूँ, एक मिनट। पहला सेंटेंस जो है, मूविंग ट्रेन क्रॉसेस द मैन, मैन को भी क्रॉस कर रहा है और ब्रिज को भी क्रॉस कर रहा है। तो मैंने बताया था इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो आप दो चीज निकाल सकते हो, पहले एल निकाल सकते हो और उसके बाद आप स्पीड निकाल सकते हो, दो चीज आपका निकल सकता है। पर नहीं, पहले क्वेश्चन को समझना है, आप पेन कॉपी लेके तैयार होंगे? नहीं, पहले क्वेश्चन समझिए कि सर फर्स्ट सेंटेंस से 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और एक मैन भी है, प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, मैन को 10 सेकंड में पार करती है, तो सर इससे लेंथ भी निकल जाएगा और स्पीड भी निकल जाएगा। लेकिन आगे पढ़े, बताएं यह रेलगाड़ी, यानी यह रेलगाड़ी जो आपने लेंथ निकाला, एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? सर 20 सेकंड। बताओ कैसे बनेगा? सर इसका L1 आएगा 200 और फिर बोल रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो सर ट्रेन का मान आ गया 200 और उसी को सर 300 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो सर उसी को तो पार करेगा, उसका टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है, तो सर टाइम निकल जाएगा उससे। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। यस सर। 20 सेकंड आएगा सर। हाँ तो मैं क्या लिखूं बोलो?
सर तो L1 बराबर 200 आया है और प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है 300। L1 200 है ये, यस सर। L1 आपने 200 निकाला कैसे सर? वो L1 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ बाय उसका टाइम इक्वल टू L1 प्लस आदमी जियो बाय उसका टाइम। ओके, जैसे मैंने बताया था। यस सर। तो स्पीड निकल गया, क्या निकलेगा? तो L1 प्लस पहला वाला 300 डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड है इज इक्वल टू L1 प्लस 0 yes, और ये डिवाइडेड बाय 10 है। यहाँ सिंपलीफाई करने के लिए 5 2 10 और 5 5 ज्यादा छोटा हो जाया करेगा। तो yes, L1 से 2 L1 घटा दो, 3 L1 600, तो L1 इससे आ गया 200 yes, L1 आ गया 200 मीटर और yes, 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को। तो अब जो है नाउ L1 आ गया आपका 200 मीटर और L2 भी कितना है जी? 200 मीटर है। हाँ, स्पीड कितना है? नो सर, 300 मीटर है प्लेटफॉर्म। एक और प्लेटफॉर्म 200 है दूसरा वाला प्लेटफॉर्म। अच्छा हाँ, यस सर 200 मीटर है। हाँ तो क्या करेंगे सर? तो दोनों को ऐड करके भाई टाइम से और उसको नहीं सॉरी स्पीड से डिवाइड कर देंगे। स्पीड का सर वो तो दिया हुआ है ना। ठीक है, ये जिस रास्ते से गई थी वो भी रास्ता सही है। ये दोनों ढंग से आप जा सकते हो कि सर या तो आप सर एक काम कीजिए कि पहले वाले लाइन से स्पीड निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड कैसे निकलेगा? तो यहां पे आप स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हो? तो यहां लिख सकते हैं, तो व्हाट विल बी स्पीड? तो स्पीड हो जाएगा, चाहे L1 का मान यहां रख दो या यहां रख दो, तो स्पीड हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो ये काम कर सकते हो। और जैसा इसने बताया कि सर अब टाइम फाइंड करना है, तो L1 यानी 200 प्लस 200 तो होगा ही और डिवाइडेड बाय 20, तो 400 मीटर बीस 20 सेकेंड आ रहा है क्या? यस सर। या एक यहां पे आप दूसरे ढंग से भी सोच सकते हैं, सेकेंड वे क्या कर लेते? तो वही L1 यानी 200 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 10 और जो आपको फाइंड करना है 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाय टाइम पूछ रहा है, टी लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो, यानी पहले वाले लाइन से आपका लेंथ निकला, फिर चाहो तो स्पीड, और नहीं तो एक साथ ही लिख दो ना। जब चलने वाला ट्रेन तो वही है, तो पहला वाला देखो, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, और तो ये स्पीड बराबर लास्ट वाले का भी स्पीड होगा। तो ये तो था L1 एंड दिस इज हो गया L2 डिवाइडेड बाय टाइम, हो गया स्पीड। तो यहां भी आप सॉल्व करेंगे, 30 आ गया 20 सेकेंड। किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम? सुरभि? नो सर। देव, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बन गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 17 पढ़िए। अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60। देखो ट्रेन का लेंथ मालूम है, स्पीड मालूम है,
तो हाउ मेनी सेकेंड डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन, टाइम पूछ रहा है, दूसरे गाड़ी को पार करना है, स्टैंडिंग ऑन पैरेलल ट्रैक, अब पैरेलल ट्रैक पे खड़ी है। सब लोग जल्दी सॉल्व करो फास्ट, और जिसका सबसे पहले आंसर हो जाए जल्दी बताओ। कितना होगा? 16.8। Are you seeing? Yes, 15.8 होगा तो 15 तो नहीं है इसमें। No sir, 16.8 होगा। 16.8। Yes sir. अच्छा देखते हैं और किसी का। चलो और दूसरा। Fast. सेकेंड आंसर जल्दी दीजिए। अरे क्वेश्चन तो इजी था जी, टाइम पूछ रहा है तो L1 गिवन था 110, L2 भी गिवन है 170, ये आ गया मीटर में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो केवल यहां पे 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। अब मीटर मीटर कैंसिल, जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, तो व्हाट विल बी टी, 1280 तो ऊपर हो ही गया, इंटू 18 ले जाओ और डिवाइडेड बाय 60 × 5। किसी को प्रॉब्लम? आप तो लग रहा होगा कि सॉल्व हो गया। 6 × 3 = 18, 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 6 × 2 = 8, डिवाइडेड बाई 5, 2 से गुना कर दो, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 16.8 सेकेंड। वेरी गुड आयुषी, बहुत अच्छे। किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम? नो सर। कृष्णनंदन शुक्ला कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़े। सर माइक ऑफ करके बोल रहे थे सर, हम बना लिए थे पहले सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फास्ट स्पीड ऑफ टू ट्रेन रेशियो मालूम है, सेकेंड ट्रेन रन 364 किलोमीटर 4 घंटे में, देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, जल्दी बताइए। किलोमीटर पर आवर सर। रौनक बना रहे हैं सर। देखो स्पीड का रेशियो है और स्पीड निकल सकता है, निकाल के वहां वैल्यू बढ़ा दो, देख के लग रहा है 4 घंटे में 364, 4 × 36 91 किलोमीटर पर आवर, 91 किलोमीटर 13 × 97 तो 13 × 78 हो जाएगा सर, सेकंड ट्रेन का स्पीड है तो। यानी यहाँ पे स्पीड का रेशियो है क्या 6:7 और ये पहले का स्पीड, ये दूसरे का स्पीड। अब करें दूसरी रेलगाड़ी, ये 7 वाले का स्पीड मालूम है, तो स्पीड दूसरे वाले का मालूम है 364/4 और ये आ गया आपका 91।
जब ये आ गया 91, तो चाहो तो ऐसे लिख लो कि सर 7x इक्वल टू 91, तो व्हाट विल बी 6x? इसका 13 गुना आते भी 13 गुना 13 टाइम्स, यानी 78 किलोमीटर पर आवर। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 पढ़िए सब लोग। टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 टेक 55 सेकेंड। अब देखो यहां पे लेंथ मालूम है, टाइम मालूम है, स्पीड निकल गया। लेंथ ऑफ द ब्रिज इज L2 निकालना है सर। तो जब दो दो है तो एक L1 प्लस L2 लिख सकते हैं, और ये L1 प्लस L2 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और L1 मालूम है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और पुल का पूछ ही रहा है, दैट इज L2 पूछ रहा है। स्पीड मालूम है 36 किलोमीटर पर आवर, मैंने बोला था बहुत जरूरत पड़ता है मीटर पर सेकेंड में यहाँ बदलना है, इनटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और इसको कितने समय में, 55 सेकेंड में, 18 × 36 2×5 = 10, 550, घट गया L2 350 मीटर, कितना रहा जी? 350। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी डायरेक्ट किया कीजिए। किसी को, समीर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नो सर। साक्षी? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन 20। A train 270 meter long running at a speed of 36. It will cross a bridge of length L1 L2 दोनों मालूम है, speed मालूम है, time पूछ रहा है, time पूछ रहा है, L1 L2 मालूम है, पहला 270 दूसरा 180 और 35 सेकंड सर। बराबर है, केवल इसको 36 इनटू 5/18 मीटर पर सेकंड कर दो, ये हो गया 10। 45 सेकंड। 45 सेकंड। यस सर। यस सर। यानी देखने के साथ जवाब दे सकते हैं। 45 सेकंड। अगला क्वेश्चन, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताया मैंने, जल्दी बनाइए फास्ट। टाइम निकालना था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, 4, एक है 4 और दूसरा है 3, डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, दोनों का एलसीएम 30, 6 से 5 4 जा 20 और 18, या तो ऐसे करो या वो डायरेक्ट जैसे मैंने बताया वैसे कर दो। वैभव क्लियर है?
वैभव सुरभि यस सर क्वेश्चन क्लियर यस सर अब तो रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा यस सर 22 पढ़िए अ ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 80 कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस 4.5 घंटे में ए स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स मेरा तो आ गया आंसर नाइंटी किलोमीटर पर आवर सर शशि क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बताइए तो क्या होगा शशि शंकर क्वेश्चन बताइए शशि यस सर हाँ क्वेश्चन बताइए क्या कर रहा सर 90 किलोमीटर पर आवर बहुत जल्दी जवाब दे दी और ट्रेन इज मूविंग हाँ शशि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेलगाड़ी Yes. रेलगाड़ी की चाल 80 है ठीक है और 4.5 घंटा में कवर करता है ओके तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं स्पीड इन टू टाइम ये जानते हैं तो स्पीड है 80 तो 4.5 घंटा लग रहा है क्वेश्चन कह रहा है क्या होगा स्पीड अगर 4 घंटे में जाना है 4 से 20 बार में 45 × 20 90 किलोमीटर पर आओ स्पीड क्या होगा अगर उसको 4 आवर्स ऐसे उसको 4.5 आवर्स लग रहा है और 4 ही घंटे में जाना चाह रहा है सर वीडियो रुक रुक के आ रहा है सर और आवाज भी तुम्हारा थोड़ा सा गड़बड़ होगा बाकी लोगों को तो ठीक है हम लोग का yes, हम लोग का ठीक है हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर सर हां बगा में नेटवर्क बगा में बहुत बाढ़ है पानी नेट रुक जाता होगा हां सर टावर और सब बंद हो चुका है अगला क्वेश्चन अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफार्म 30 सेकंड में ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 length of the train be 200 meter then the length of the platform is bataiye mohan verma question clear kijiye sir question mein to l1 diya hai sir aur l2 nikal जी सर L2 निकालना है और स्पीड भी दिया है सर ठीक है तो L2 निकालना है ना सर हाँ स्पीड और टाइम दोनों मालूम है मल्टीप्लाई कर देंगे हो गया जी सर अब तो एकदम पढ़ने के साथ लेकिन इसमें आंसर नहीं है सर 300 यानी 200 प्लस L2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर है ना यस सर 5/18 Into 30. Yes, sir. तो L2 आ गया देखो ना 3 × 5 = 90 9000 काट दिया 500 L2 हो गया 300 कितना रह गया 300 सर कैसे नहीं मिला आपको ना क्वेश्चन पीछे भी था सर हाँ सर हम गलती लिख दिए थे तब तो देखने के साथ क्लियर है तो आज के क्लास को हम लोग